नमस्कार, स्वागत है आपका आसन भर के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के गौतम महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 4 का हुआ आगाज। यूथ फेस्टिवल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। नशा निवारण के अंतर्गत पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में आज से 15 दिसंबर तक की गई नशा निवारण अभियान की शुरुआत। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने गांधी चौक पर स्कूली छात्र छात्राओं को किसी भी तरह का नशा न करने व इसके रोकथाम में हर संभव मदद करने की दिलवाई शपथ। तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स में हमीरपुर जिला के खिलाड़ियों ने दबदबा कायम रखते हुए जीते 24 गोल्ड मेडल। टीम ओवरऑल चैंपियनशिप में रही तीसरे स्थान पर। मास्टर गेम्स एसोसिएशन हमीरपुर के पदाधिकारियों ने अपनी जीत पर जाहिर की खुशी। सरकाघाट में अमानवीय क्रूरता के मामले में पीड़िता बुजुर्ग राजदेई ने कैमरे के सामने पहली बार बयां की अपनी दास्तां। राजदेई ने बताया कि जबरदस्ती उसे धकेलकर शमशान घाट ले जाने की फिराक में थे ग्रामीण।